नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक के स्विच बोर्ड्स होते हैं, कई साल यूज़ करने के बाद वो अक्सर गंदे हो जाते हैं। कभी-कभी इतने गंदे हो जाते हैं कि आप नए स्विच बोर्ड्स लगाने के लिए सोचते हो। सभी स्विचेस अच्छे कंडीशन में होते हुए भी मजबूरी में आपको नए स्विचेस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आपके घर की दीवार अच्छी होती है और अगर स्विच बोर्ड गंदे लगते हैं तो आपके घर का लुक उससे खराब होता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपको आपके घर के स्विच बोर्ड्स के पुराने स्विचेस बदलने नहीं पड़ेंगे और आपकी दीवार भी खराब नहीं दिखेगी और आपके सभी स्विच बोर्ड्स जो है वो नए के नए जैसे दिखने लगेंगे, वो भी बस 5 मिनट के अंदर। काम शुरू करने से पहले हमें घर का मेन स्विच है वो बंद करना पड़ेगा। उसके बाद हम एक कॉटन का कपड़ा लेके स्विच बोर्ड को पूरी तरह से साफ कर देंगे ताकि उसके ऊपर कोई धूल मिट्टी है तो वो निकल जाएगी। स्विच बोर्ड साफ करने के लिए हम किसी भी तरह का स्प्रे या लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस हमको चाहिए एक टूथपेस्ट और पुराना वाला टूथब्रश। इसी पेस्ट के सहारे हम इस बोर्ड को क्लीन करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से 2 मिनट में हम इस बोर्ड को चमकाते हैं। मैंने यहाँ कोलगेट पेस्ट इस्तेमाल की है, आप किसी भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। बस ठीक तरह से सभी स्विच सॉकेट और स्विच बोर्ड के ऊपर हमें ठीक तरह से फैला के रखना है और थोड़ी देर के लिए ब्रश से उसको उसके ऊपर थोड़ा ब्रश करना है और फिर एक आधा घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। आधा घंटे के बाद वापस हम इसको क्लीन करेंगे। दोस्तों, इस काम में आपको कोई भी खर्चा आने वाला नहीं है। बस हम यहाँ खाली एक 50 पैसे का टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ कोई भी लिक्विड या कोई भी स्प्रे का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम एक टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई भी खर्चा नहीं आएगा। आपका ये पूरा स्विच बोर्ड क्लीनिंग का काम पूरा फ्री में ही होने वाला है। सभी जगह आपको अच्छी तरह से पेस्ट को लगा देना है और ब्रश से थोड़ा घिसना है। कोने कोने तक आपको पूरी तरह से लगाना है और उसके बाद हम एक 30 मिनट तक उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इस स्विच बोर्ड को वापस एक कॉटन के कपड़े से साफ करते हैं। दोस्तों, ये एक ही बार में पूरा साफ हो जाएगा, लेकिन अगर आपका स्विच बोर्ड ज़्यादा ही गंदा हो गया है तो आप इस ट्रिक को 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पहले ही एक बार में ही इसको साफ करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हो किस तरह से ये बोर्ड नए जैसा दिख रहा है। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये बोर्ड पुराना है, ये पूरे नए जैसा ही दिख रहा है। इस तरह से आप अपने घर के सारे स्विच बोर्ड्स चमका सकते हैं, नए के नए जैसे दिखेंगे और आपको 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी और आप इस ट्रिक का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और हो सके तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।